हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बेगुनी मतलब बैगन की पकौड़ा। बंगाली लोग इसे बेगुनी कहते हैं। ये बनाना बहुत ही सिंपल है। बैगन को ऐसे पतला करके काट लिया, काट के धो के थोड़ी देर ऐसे डाल के रखा। आप चाहिए इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चना मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक, 1 कप बेसन 150 ग्राम की। एक बाउल लिया, इसमें हम बेसन और सारे मसाला ऐड कर दिया। अब 1/2 कप पानी लेके इसे मिक्स करना है। पहले मैंने थोड़ा सा पानी लिया, अब और पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। मुझे मिक्स करके स्मूथ बैटर बनाना है। मुझे कंटिन्यू 5 मिनट तक इसी तरह फेंटना है ताकि ये फ्लॉपी हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, बेगुनी बहुत ही क्रिस्पी बना रहता है। अब बेकिंग सोडा डाल के हमें इसे मिक्स करके रख दिया। हमारा बैटर रेडी है। आप कढ़ाई में तेल डाल के गर्म कर लिया और 1 बूंद बैटर डाल के देखते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं। बैटर तेल के ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा तेल प्रॉपरली गर्म है। अब वो बैगन को ऐसे बेसन में लपेट के तेल में डालना है। और वो बैगन के ऊपर उसको कारसी से उसको तेल छिड़क देना है ताकि वो प्रॉपरली फूल जाए। फूल जाने के बाद इसे हमने पलट दिया। देखिए हमारा बैगनी ब्राउन कलर हो गया। अब हम इसे टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। इसी तरह हमने और भी सेकेंड राउंड बना के दिखा रही हूँ जो आपको समझ में आ जाए। देखिए इसमें हमने 5 बेगुनी डाला और ऐसा करके तेल की छिड़क से देखिए डालती हमारा बेगुनी कैसे फूल गया। इसे हम पलट रहे हैं अभी। ऐसे पलट पलट के आपको बेगुनी को फ्राई करना है, लेकिन याद रखिए आपको गैस को इस टाइम पे स्लो करना है ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। ऐसे हमें 5 मिनट लगेगा इसे बनाने में। तो ऐसे देखिए कितना ब्राउन कलर आ गया। हम पलट पलट के इसके फ्राई किया और ऊपर से क्रिस्पी दिख रहा है। देखिए बेगुनी कैसे फूल गया। अब हम बेगुनी को निकाल लेंगे। देखिए हमारा बेगुनी, मैंने सारे बेगुनी निकाल लिया। देखिए हमारे बेगुनी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसी तरह बेगुनी बनाइए तो आपका बेगुनी एकदम फ्लॉपी क्रिस्पी बनेगा। तो आज मेरा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए।